अच्छे और मजेदार न्यूज़ हिंदी में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में रहे बेल आइकॉन को दबा दीजिए। अगस्त में रिलीज शाहरुख खान की फिल्म जब हैरी मेट सेजल सुपर फ्लॉप रही। फिल्म के फ्लॉप होने का सबसे बड़ा कारण बिग बजट भी था। फिल्म 70 करोड़ के भारी भरकम बजट पर तय रखी गई थी, जबकि कमाई मुश्किल से 60 करोड़ तक हो पाई। वहीं अक्षय कुमार की टॉयलेट एक प्रेम कथा महज 18 करोड़ में बनी। फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया और दनादन प्रॉफिट कमाती गई। आने वाली फिल्मों की बात करें तो अजय देवगन की बादशाहों पर काफी उम्मीदें टिकी हैं। बादशाहों 80 करोड़ का भारी भरकम बजट पर तैयार की गई है और यही बात अजय देवगन और फिल्म के निर्माताओं के लिए भारी पड़ सकती है। फिल्म को ही टह होने के लिए किसी भी तरह 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना होगा। यहां जाने बादशाहों को लेकर अजय देवगन को क्यों करनी चाहिए चिंता। 80 करोड़ का बजट यानी कि फिल्म को हिट होने के लिए 160 करोड़ की कमाई करनी होगी। फिलहाल इस फिल्म के साथ यह मुश्किल नजर आता है। फिल्म में अजय देवगन और इमरान हाशमी को छोड़कर दर्शक शायद ही बाकी कास्ट को देखने में उत्साहित दिखें। ईशा गुप्ता, इलियाना डिक्रूज और विद्युत जामवाल्टर रेले से अब तक दर्शकों को इम्प्रेस नहीं कर पाए हैं। साल 2017 में रिलीज फिल्मों को देखा जाए तो एक्शन फिल्मों को दर्शकों ने साफ तौर पर नकारा है। अजय देवगन की पिछली फिल्म शिवाय भी एक्शन से भरपूर थी, लेकिन फैंस ने पसंद नहीं की। इस फिल्म के साथ रिलीज हो रही है आयुष्मान भूमि पेडनेकर की फिल्म शुभ मंगल सावधान। उस फिल्म को लेकर जैसा क्रेज है, बादशाहों के लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। वहीं यह तो साल ही छोटे बजट की फिल्मों का रहा है। फिल्म में अजय देवगन इलियाना के बीच सीन हो या इमरान हाशमी और सनी लियोन के हॉट गाने, कहीं ना कहीं यह सब देखकर लगता है जैसे निर्देशक को अपनी कहानी पर भरोसा नहीं है और वह फिल्म बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि फिल्म में दो गाने पुराने सुपरहिट गानों का रिमिक्स है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपने सुझाव दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।